नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभात खबर आपको झारखंड को और अधिक बेहतरीन ढंग से जानने और समझने के लिए कुछ ऐसे जगहों से रूबरू करवाएगा जिससे झारखंड का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में हम आपको आज लेकर आ चुके हैं राज्य संग्रहालय, जो कि खेलगांव स्थित है। और इस राज्य संग्रहालय का इतिहास तो 1974 का रहा है, लेकिन 2009 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस राज्य संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहा जाता है कि किसी भी राज्य के लिए संग्रहालय उसका इतिहास रहता है और उसके इतिहास को समेटे हुए रहता है। ऐसे में आज हम आपको लेकर चलते हैं राज्य संग्रहालय और रूबरू करवाते हैं झारखंड के इतिहास से। क्या खास है, चूंकि संग्रहालय जो होता है किसी भी राज्य की विरासत को संभाले रखने के लिए जाना जाता है, तो इस राज्य की विरासत को अगर कोई देखने के लिए आए और समझने के लिए आए तो क्या कुछ खास मिलेगा यहाँ पर? राज्य संग्रहालय 1974 में प्रदर्शित किया गया था रांची में, लेकिन बिल्डिंग छोटा रहने की वजह से उसका प्रदर्शन नए बिल्डिंग में 2009 में किया गया। और इसमें पूरे म्यूज़ियम को देखने के बाद ये पता लगता है, पूरे मल्टीपर्पस म्यूज़ियम है और मल्टीपर्पस के मुताबिक ये यहाँ हर तरह के पुरावशेष प्रदर्शित हैं। बाहर बाहर से दर्शक आते हैं, खास के फॉरनर, और वो यहाँ से बड़ा प्रभावित होकर के जाते हैं। सर, राज्य का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन राज्य की स्थापना जो है वो अभी कुछ दिनों पहले की है, काफ़ी संघर्ष के साथ हुआ, तो इसमें राज्य स्थापना को लेकर भी कुछ है ऐसा? राज्य स्थापना के मुताबिक तो हम लोग जो कल्चर विभाग का प्रदर्शन होता है या जो देखने योग्य सामग्रियाँ होती हैं उनको हम लोग दिखलाते हैं और उनको ये समझाते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जी, जी ये स्टेट लेवल की एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें करीब लगभग 35 स्टूडेंट अध्ययन करते हैं और ख़ास के जो बाहर से आने वाले दर्शक हैं वो भी कभी कभार दर्शक अपना देखते हैं। उसके आधार पर यहाँ के लगभग 8-10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमीशन रिफ्रेश किए हैं, जो जिनकी नौकरी भी यहाँ के माध्यम से किया गया है। तो इस तरह से पुस्तकालय काफ़ी अच्छी है। तो आप जब राज्य संग्रहालय आएंगे तब पाषाण युग के झारखंड से आधुनिक झारखंड तक को समझने की समझ रख पाएंगे। इस राज्य संग्रहालय में आपको मिट्टी की कलाकारी से लेकर पत्थर तक की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। फिर चाहे हम बात कर ले चित्रकला की या फिर तमाम मूर्ति कला की, आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी और एक ऑडिटोरियम की भव्यता भी देखने को मिलेगी जो आपको इस पूरे राज्य के इतिहास को बताएगी। झारखंड के निर्माण को भले ही 22 साल हुए हों, लेकिन झारखंड का इतिहास कितना पुराना है यह आप सिर्फ और सिर्फ राज्य संग्रहालय आकर ही समझ पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, मैं राजलक्ष्मी प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।